गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी गो विद रिवीजन ऑफ सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी लेक्चर 3 हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स एंड हाउ टू फाइंड टोटल प्रोडक्शन. दीज आर द टू टॉपिक्स दैट वी शैल बी डिस्कसिंग टुडे इन आवर रिवीजन सेक्शन ऑफ लेक्चर 3. नाउ अंडर दिस हाउ टू फाइंड टोटल प्रोडक्शन. टोटल प्रोडक्शन में फाइंड कैसे करते हैं? टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इज नोन एज नेशनल इनकम और जीडीपी, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. तो इसके लिए टोटल प्रोडक्शन के लिए हम करते क्या है, टोटल प्रोडक्शन इज काउंट ईच प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फॉर ए पर्टिकुलर सेक्टर. वैसे तो ये बहुत मुश्किल है इस टास्क करना, दो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यदि हम बार बार सपोज कर लो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं वीट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वीट, सपोज करो कि द मनी इन्वेस्टेड ऑन परचेजिंग द इनपुट्स लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, क्रेशर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, तो ऑल कैनॉट बी काउंटेड सेपरेटली. क्लियर? नाउ वी कैन काउंट दिस एवरी सिंगल प्रोडक्ट और सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज देर आर टू मेनी गुड्स एंड सर्विसेज इन ईच सेक्टर. हर सेक्टर में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, तो उसकी जो फाइनल वैल्यू आती है जिसमें कि प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी शामिल होता है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी शामिल होता है, देन ओनली इट्स टोटल वैल्यू इज बीइंग कैलकुलेटेड. हियर वी काउंट द टू और मोर डिफरेंट थिंग्स बिकॉज इट डिड नॉट मेक सेंस. एग्जाम्पल, 3 एप्पल्स प्लस 4 बनानास और 5 कंप्यूटर्स प्लस 10 कार्स. क्लियर? इससे कोई मतलब नहीं कि 3 एप्पल की कीमत कितनी है, 4 बनाना कीमत कितनी है. 3 एप्पल और 4 बनाना खरीदने के लिए सपोज कर लो कि हमने इन्वेस्ट किया 30 रुपए, ठीक है, जहां पर कि एप्पल की कॉस्ट 15 रुपए है और बनाना की कॉस्ट जो है वो भी 15 रुपए है. तो 15 प्लस 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30. कॉस्ट ऑफ 5 कंप्यूटर्स प्लस 10 कार्स, 5 कंप्यूटर्स अप्रॉक्सिमेटली 2 लाख रुपीज एंड 10 कार्स डिपेंड्स अपॉन द मॉडल. वैसे भी कंप्यूटर्स में भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं, तो उनकी कॉस्ट कंपेरेटिवली थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, तो इससे हम काउंट नहीं कर सकते. हाँ, एक्चुअल में हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, दैट मैटर. दूसरा, हम वी कैन ओवरकम द सेकेंड प्रॉब्लम बाई एडिंग द वैल्यूज. एग्जाम्पल, टोटल अमाउंट रेदर देन एडिंग द टोटल नंबर ऑफ थिंग्स. व्हाट इज द टोटल अमाउंट वी हैव इन्वेस्टेड, हमने टोटल अमाउंट कितना खर्च किया है किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, दैट मैटर्स अ लॉट. फॉर एग्जाम्पल, 3 एप्पल्स इज इक्वल टू 50 रुपीज, 4 बनाना इज इक्वल टू 20 रुपीज. द टोटल वैल्यू ऑफ 3 एप्पल्स प्लस 4 बनाना विल बी 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70. हमने 70 रुपीज हमने टोटल खर्च किया है फ्रूट्स के को परचेज करने के लिए, ठीक है. देन नाउ वी कम ऑन टू द कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स. नाउ द वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, क्लियर, और उनकी वैल्यू काउंट करना, ठीक है, सर्विसेज. एंड फॉर काउंटिंग वैल्यूज वी मस्ट कंसिडर ओनली फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड इज ए गुड जिसमें कि प्रोडक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और फिर उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस फिक्स की जाती है, ठीक है. द गुड्स विच आर यूज बाई एंड यूजर, फाइनली हम जो यूज करते हैं, सपोज करो कि हम 5 किलो वीट लेकर के आए, वी हैव ब्रॉट 5 केजी वीट, दैट क्लियर, एट द कॉस्ट ऑफ 20 रुपीज पर केजी. सो वी हैव पेड रुपीज 100 वी हैव पेड. रेदर देन दैट, द कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑफ वीट माइट बी 12 रुपीज और 13 रुपीज, देन इट्स प्रोसेसिंग कॉस्ट, उसको हम वीट से वीट फ्लोर में कन्वर्ट करेंगे, अगेन वी विल पे दी 4 to 5 रुपीज हम वहाँ पे करेंगे, ठीक है, टोटल 18 रुपीज हो गया. फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैसे हम उसको लेकर के गए, फाइनली हम
क्या देखते हैं कि 1 किलो आटा हम परचेस करते हैं तो उसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 20 रुपीज के आसपास जाकर के होती है। ठीक है, फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है बेटा? इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इसी को हम रॉ मटेरियल्स कहते हैं, विच आर बीइंग कन्वर्टेड और विच आर बीइंग प्रोसेस्ड और विच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। क्लियर? लाइक फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन से द बिस्किट पैकेट जिसकी कीमत ₹60 है, ऑलरेडी इंक्लूड प्राइस ऑफ व्हीट ₹10, ऑयल ₹20, शुगर का ₹10 हो गया, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी शामिल है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी शामिल है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो उसको क्या कहते हैं कि प्रोसेसिंग में खर्च हुई, सो इंटायर कॉस्ट इज बीइंग इंक्लूडेड ओवर हियर। सो द टोटल प्रोडक्शन इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर फॉर ए पर्टिकुलर ईयर। पर्टिकुलर ईयर का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर हमेशा इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। 31 मार्च के बाद वो अकाउंटिंग ईयर या वो फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है और नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। इसमें जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, जितनी वैल्यू होती है, उसको ऐड कर लिया जाता है और उसी से नेशनल इनकम इंक्रीज होती है। जीडीपी और नेशनल इनकम, इस जीडीपी को हम नेशनल इनकम कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज द सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल द सेक्टर्स। ऑल द सेक्टर्स का मतलब होता है ऑल 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर, प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इज नोन एज जीडीपी और नेशनल इनकम। ग्रेटर द जीडीपी बेटर द इकोनॉमी ऑफ द इकोनॉमी। जीडीपी जितनी बेटर होगी, जीडीपी बेटर कैसे होगी? बाय प्रोवाइडिंग एन एम्प्लॉयमेंट, बाय टेकिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, बाय टेकिंग द मेजर्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। उसके लिए चाहे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो, चाहे इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हो, चाहे हम इरीगेशन फैसिलिटीज यूज कर रहे हो या फिर अदर मॉडर्न इनपुट्स यूज कर रहे हो। ठीक है, जीडीपी को मेजर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मेजर करती है विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग द जीडीपी। इज दैट क्लियर? और ये हेल्प लेता है स्टेट गवर्नमेंट्स की और यूनियन टेरिटरी की। ये जो स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है, इट कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन of all the products produced and the prices of their product. ठीक है, prices of their product and then उसको estimate करता है GDP में कि what would be the GDP, expected GDP of the previous financial year. Then इधर हम देख ये भी देख रहे हैं कि जो sectors की importance बढ़ती जा रही है। ठीक है, इस समय सेक्टर्स पर्टिकुलर 1970 के बाद टेरिटरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिटरी सेक्टर। हम पहले भी 1st लेक्चर में बात कर चुके हैं कि टेरिटरी सेक्टर जो है ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी को टेकअप नहीं करता है, ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के एक्टिविटीज को डेवलप करने की कोशिश करता है। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एन प्राइमरी सेक्टर एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नाउ इंडिया, इंडिया है क्या? इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, एंड दस द प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज। हमारे यहाँ जो बेसिक सर्विसेज है, कौन कौन सी बेसिक सर्विसेज है, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज हो गई, पुलिस स्टेशन हो गए, कोर्ट हो गया, विलेजेस हो गए, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज इज डन बाय द गवर्नमेंट ओनली। मतलब इट इज बीइंग ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली। क्लियर? बट सिंस 1970 के बाद गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर को, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सेक्टर को भी प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। सिंस देन द प्राइवेट नर्सिंग होम्स, द प्राइवेट स्कूल्स लाइक आवर्स, इस तरह के बहुत सारे इस इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की शुरुआत हुई, मेडिकल कॉलेजेस केम इनटू एन एग्जिस्टेंस। क्लियर? अब रैपिड ग्रोथ, फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी व्हाट इज एसेंशियल? इकोनॉमी के रैपिड ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों का डेवलप होना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर?
यदि दोनों डेवलप होंगे तो पीपुल विल फाइंड मोर एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा तो इट विल प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करेगा उसको इंडस्ट्रीज को सेल आउट करेगा, जैसे शुगर केन का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो शुगर इंडस्ट्रीज में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, तो इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्हेंसमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट्स होता है, तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक्सपेंशन होगा, पीपल विल फाइंड मोर एम्प्लॉयमेंट, पीपल विल फाइंड गुड जॉब, गुड वेजेस, क्लियर, देयर इनकम विल इंक्रीज, और जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, हम सपोर्ट सर्विसेज की डिमांड करेंगे, सपोर्ट सर्विसेज में क्या आता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन आता है, बैंकिंग आता है, स्टोरेज आता है, ट्रेड आता है, एजुकेशन आता है, ये सब सपोर्ट सर्विसेज में, क्लियर, 1980 के बाद, ठीक है, 88 के बाद, 1980 से 80 के डिकेड में और 1988 के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कुछ सर्विसेज में बहुत तेजी से एक्सपेंशन हुआ है, जैसे बैंकिंग हो गई, जैसे ATMs हो गए, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर केयर सेंटर्स हो गए, क्लियर, टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई, शॉपिंग का आप एग्जाम्पल ले लो, आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मार्केट लोग अपने घरों से ही अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर दे करके मंगा ले रहे हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग की डिमांड बढ़ने लगी है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल कोर्सेज की डिमांड बढ़ने लगी है, जिसके ड्यू टू दिस द इंक्रीज ऑफ वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर, हर साल वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज की डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन मोर एंड मोर पीपल आर गोइंग फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक BEd, क्लियर, दे आर गोइंग फॉर LLB, दे आर गोइंग फॉर फार्मेसी एक्सेट्रा, देन इसी में डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज created the need of people's life, इसने लोगों की लाइफ में एक नई जरूरत पैदा कर दी, आज हमारे बीच में हम सबके यहाँ मोबाइल की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, हर घर में एक मोबाइल नहीं, दो दो मोबाइल से, दो दो सेलुलर फोन से, तीन तीन सेलुलर फोन से, उसको रिचार्ज करने के लिए हमको डाटा चाहिए, डाटा के लिए हम कहाँ जाते हैं, मोबाइल रिचार्ज शॉप पर जाते हैं, ठीक है, इंटरनेट की सर्विसेज बढ़ गई है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, क्लियर, ऑनलाइन शॉपिंग की सर्विसेज बढ़ गई हैं, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो ऑल दीज सेक्टर्स, ऑल दीज एरियाज और एरिनाज आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ह्यूज एक्सपेंशन इन द टेरिटरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, सर्विस प्रोवाइडर्स की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ठीक है, उसके बाद में फिर जो टेरिटरी सेक्टर है, द ग्रोथ इन टेरिटरी सेक्टर इज नॉट इक्विटेबल, दिस इज बिकॉज द स्किल्ड वर्कर्स इन दिस सेक्टर अर्न्स ए वेरी हाई इनकम, जो लोग स्किल्ड हैं, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, वो बहुत हाई इनकम इंक्रीज करते हैं टेरिटरी सेक्टर में, लेकिन जो लोग अनस्किल्ड हैं दे हार्डली मैनेज टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे द रिक्शा पुलर जो रिक्शा चलाता है, द वॉशरमैन, ठीक है, बार्बर, इनको इनकी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है, एंड देयरफॉर दे लिव अंडर द कैटेगरी ऑफ एन लो इनकम लेबल और दे आर कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS ऑफ द सोसाइटी, देन हियर इज द असाइनमेंट बेस्ड ऑन द टॉपिक वी हैव डिस्कस टूडे, देर आर 4 क्वेश्चन, वॉट इज द एम ऑफ कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डिफाइन GDP, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, राइट डाउन 1 कंडीशन ऑफ बेटर इकोनॉमी, increase in an GDP and providing an employment. Employment section we'll discuss in our next lecture. ठीक है? Then how is GDP of the country is measured? The total value of all final goods and services produced within the economic territory or the regional territory of a country during an financial year or an accounting year. This helps to measure the GDP. GDP मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर करती है, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट टेरिटरीज की हेल्प से, ठीक है, व्हाई इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिटरी सेक्टर राइजिंग इन इंडिया सिंस 1970, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो 1970 के बाद जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, जो
सपोर्टिव सर्विसेज हैं, जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज में एजुकेशन हो गया, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हो गए, सपोर्टिव सर्विसेज में जैसे ट्रांसपोर्टर्स की सर्विसेज हो गई या डॉक्टर्स की सर्विसेज हो गई, हेल्थ सर्विसेज हो गई, दे आर द सपोर्टिव सर्विसेज बिकॉज द इनकम ऑफ द पीपल आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, पीपुल आर फाइंडिंग द एम्प्लॉयमेंट इन ऑल द थ्री सेक्टर्स। और जब उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जब उनको वर्क मिल रहा है, काम मिल रहा है, तो सर्टनली देयर इनकम इज इंक्रीजिंग, एंड वेन देयर इनकम इज इंक्रीजिंग देयर डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। क्लियर? नाउ इंडियन, एक फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द एम ऑफ कंपेयरिंग दिस थ्री सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखो इंडियन इकोनॉमी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, थ्री सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, सेकेंडरी टेरिटरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होती है, और टेरिटरी सेक्टर में क्या होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उनका एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन दिस थ्री रिस्पेक्टिव सेक्टर्स। इनका एम एक ही है कि दे वॉन्ट टू अर्न इनकम, दे वॉन्ट टू अर्न प्रॉफिट सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मोर द GDP। ये तीनों सेक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इंडिविजुअली GDP के एक्सपेंशन में। तो GDP जितनी ज्यादा होगी, जितना फास्ट रैपिड डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, उतना अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्लियर? दैट इज वाई द कंपेरिजन बिटवीन द थ्री सेक्टर्स आर एसेंशियल। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यू से सपोज ए फार्मर हु इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यह तो मना कर दे कि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अर्बन एरियाज में सेल आउट नहीं करेगा, तो व्हाट वुड बी द कंडीशन ऑफ द पीपल इन अर्बन एरियाज, हम लोग क्या खाएंगे? डोंट वी ईट फूड, डोंट वी ईट वेजिटेबल्स, डोंट वी ईट फ्रूट्स, फ्रॉम वेयर विल गेट दीज आइटम्स? तो सर्टनली जो हमारी एक्टिविटी है वो हैम्पर होंगी, वो डैमेज होगी। ठीक है? और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है दैट वुड गो वेस्ट, क्योंकि उसका रिटर्न किसी को नहीं मिल पाएगा। जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, जो लोग खेती कर रहे हैं, उनको उनकी फसल का पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि वो शहरों में बेच नहीं रहे हैं, और शहर वाले क्या हैं, दे विल फेस द स्केयरसिटी। इसका रिजल्ट क्या होगा, प्राइजेस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज विल इंक्रीज, एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइसेस इंक्रीज होगी। वैसे ही कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज में ये कॉटन इंडस्ट्रीज के ऑनर्स सपोज ये कह दें कि दे आर नॉट गोइंग टू परचेज कॉटन फ्रॉम इंडिया, इंडियन फार्मर्स, वो बाहर से इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करेंगे तो व्हाट अबाउट द इंडियन फार्मर्स, तो सर्टनली प्रोडक्शन विल हैम्पर, लॉस ऑफ मीन्स ह्यूज लॉस विल टेक प्लेस इन दिस सेक्टर, और इससे लोग क्या होंगे, ये प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, दे विल बिकम अनएम्प्लॉयड, उनकी इनकम डिटोरिएट होगी, उनकी इनकम डिक्रीज होगी। बेटा थैंक यू वेरी मच, विल सी इन लेक्चर 4 द क्लियर एम्प्लॉयमेंट एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एंड पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर फीचर्स। दैट वुड बी आवर लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।